अभाविप ने फूका तमिलनाडु सरकार का पुतला। छात्रा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग कर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ माधव चौक पर प्रदर्शन किया। नाबालिग छात्रा को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के बाद आत्महत्या करने के मामले और अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री को गिरफ्तार करने के विरोध में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि तमिलनाडु में अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी के नेतृत्व में जब लावण्या को न्याय दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था, तब तमिलनाडु की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रदर्शन में सहसंयोजक आदित्य पाठक, नगर मंत्री विवेक धाकड़, दिवेश धानुक, सौम्या भार्गव, अभिषेक चौहान, सलोनी शर्मा, श्रेया शर्मा, वंशिका शर्मा, आरती परिहार, ऋचा नामदेव के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने आज प्रदर्शन किया है। एक लावण्या भारत की बेटी तमिलनाडु में एक स्कूल में पढ़ने जाती है, एक क्रिश्चियन स्कूल में। वहाँ पे उसको धर्मांतरण के लिए बोला जाता है। जब वह इसका विरोध करती है तो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है वहाँ की नर्सों द्वारा। और जब वह प्रताड़ना से तंग आकर वह धर्मांतरण नहीं करती बल्कि सुसाइड कर लेती है। जब वह सुसाइड कर लेती है तो एक जहरीले पदार्थ को खाकर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल में वह अपना बयान, जब उसको होश आता है तो वह बयान देती है कि मुझे धर्मांतरण के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि मैंने मौत को चुना है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो स्टालिन सरकार है, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, इस बात के ऊपर लीपापोती करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और मुझे शर्म आती है कहते हुए। मेरे मन में बहुत पीड़ा के साथ मैं कह रही हूँ कि वह नन को, जब वहाँ का जो स्थानीय विधायक है उस नन को फूल मालाओं देकर वह उसको स्वागत करता है, उस नन को जिसने उस हत्या के लिए उसको उकसाया था, जिसने उसको हत्या के प्रताड़ित किया था, ऐसे हत्यारों को वहाँ के तमिलनाडु के जो विधायक है वो स्वागत करते हैं। तो इस दुखद के लिए, जब एक दुखद घटना होती है, जब हमको पता चलता है, तो हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली से लेकर तमिलनाडु जाती है उसको न्याय दिलाने के लिए। जब वह असामान्य से आंदोलन कर रही होती है, प्रदर्शन कर रही होती है, तो स्टालिन सरकार उनको हिरासत में ले लेता है। उनके ऊपर 3-3 प्रकार की धाराएं लगा देता है, जो पूरी असंवैधानिक धाराएं हैं, जिनका कोई तुक नहीं बनता है। उनको 15 दिन के रिमांड पर भेज देता है। उनके आज तक रिहाई नहीं हुई है। तो आज हमारा धरना प्रदर्शन, ये हम कह रहे हैं उस स्टालिन सरकार को, हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक निधि त्रिपाठी को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन देश की पूरी भारत की बेटियां सड़कों पर आकर उस लावण्या के लिए न्याय मांग रही है। और जब तक ये धर्मांतरण नहीं रुक जाता, जब तक उस लावण्या को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम यूं ही सड़कों पर आके उतरेंगे और अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, उस स्टालिन सरकार को सबक सिखा के रहेंगे कि हम, जब तक मांग नहीं पूरी होगी, जब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, भले ही हमको जेल जाना पड़े। तो हम कहते हैं कि कितनी ऊंची है जेल तुम्हारी, हमने देखी और हम देखेंगे। और संघर्ष को, हमारे अन्याय के विरोध को अगर जेल की मिलती है तो हमको स्वीकार है, लेकिन हम कहेंगे कि आपकी जेल बोनी हो जाएगी, लेकिन हमारा संघर्ष बहुत ऊंचा होगा। नहीं, ये पूरे देश भर में प्रदर्शन रहा है हमारा, देश के पूरे कोने कोने से, कश्मीर से गुवाहाटी तक, देश देश की कोने की बेटियां सड़कों पर निकल कर आई है लावण्या।